यूपी के कानपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में कुछ बदमाशों ने कारोबारी को उसके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस घटना का वीडियो सामने आया जिसमें एक बदमाश कारोबारी को मारने के लिए तमंचा लेकर उसकी तरफ दौड़ता दिखा, लेकिन कारोबारी तक पहुंचने से पहले वहां मौजूद एक आदमी ने उसे रास्ते में रोक लिया, जिससे खफा होकर बदमाश ने उस आदमी पर तमंचा तान दिया। इस बीच वो आदमी बार बार उसे आगे बढ़ने से रोकता और उसे समझाने की कोशिश करता रहा। यही नहीं, वहां मौजूद एक बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर बदमाश को समझाने की कोशिश करते दिखे। पहले इसको मारने के लिए चले, इस पे लगा दिया, तुरंत फायर करी। जैसे ही हम बचाने चले, तुरंत ही सारे लोग रोके, हम लोगों के ऊपर भी हमलावर हो गए। काफी मशक्कत के बाद तमंचे वाला बदमाश शांत हो गया, लेकिन तभी उसका एक दूसरा साथी हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया। डर के मारे कुछ लोगों ने वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। हालांकि थोड़ी देर तक तलवार लहराने के बाद वो बदमाश भी वहां से चला गया।